अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक तो मैं आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी थोड़ी चेक करवाऊँगा, और बाकी एक भाई का क्वेश्चन था कि ये जो आपने डाला हुआ है नीचे जो शीट्स मैंने डाली हुई हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, ये पूछ रहे थे भाई कि इसको किस तरह डाला है या क्या हिसाब किताब किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की एक शीट है, ये प्लास्टिक शीट होती है, ये वॉश करने में भी आसानी होती है, बाकी गंदी हो जाए तो बंदा साफ़ भी कर सकता है इसको, इसलिए ये चीज़ डाली है। तो आपने करना क्या है, ये खाली पिंजरा मैं इसमें आपको डाल के दिखाता हूँ। ये इस तरह शीट होगी, एक आपने शीट नीचे डाल देनी है किसी भी तरह जो आपको लगे, इस तरह ये शीट डाल के इस तरह शीट डाली होती है, और बाकी ये केज बंद होता है। ये इसका है सिस्टम सिंपल सा। तो बाकी आपको मैं ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनकी चेक करवा देता हूँ जो कुछ थोड़ी बहुत आई है। सबसे पहले ये पेयर अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ ये इसी तरह ही है। बाकी ये एक पेयर है, इसका एक बच्चा निकला हुआ है, वो मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसका ढक्कन उठाया है ऊपर मटकी से, तो ये आपको एक बच्चा नज़र आ रहा होगा इसके नीचे है। बाकी चार इसने अंडे रखे हुए हैं नीचे, मैं कोशिश करता हूँ इस साइड देखो, एक बच्चा और चार अंडे पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो चार अंडे भी फर्टाइल ही लग रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके अंदर से भी बच्चे निकल आएंगे। बाकी इन दो की होगी प्रोग्रेस। ये एक पेयर है, ये है तो काफ़ी ज़बरदस्त पेयर है, लेकिन मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा पता नहीं क्यों, तो मैं सोच रहा हूँ इसको सेल आउट कर दूँ। बाकी एक पेड़ ये है, इसकी आपको प्रोग्रेस दिखाई थी, चार बच्चे थे, एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये जी माशाल्लाह, ये देखें चार बच्चे हैं और काफ़ी अच्छी बढ़ाई कराई हुई है पेड़ में। बाकी ये मेल थी मेला, ये मेरा पुराना पेड़ है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये ब्रीड करता है, तो जितने भी अंडे देता है सारे फर्टाइल करता है। बाकी इस दफ़ा इसने चार अंडे दिए हैं, वैसे ये 8-9 किसकी एवरेज है, हो सकता है फर्स्ट टाइम अभी सीज़न में दिए हैं तो आगे से चल के ये ज़्यादा देगा। तो अभी नीचे आपको दिखाते हैं, ये एक पेड़ है, इसने 5 अंडे दिए थे, एक इसका इधर फॉस्टर किया था, 1 फर्टाइल हो गया था एक, और बाकी इसके पास 4 थे, एक डेड इन शेल हो गया था इसका। अब देखते हैं इसने कोई निकाला भी है या वो भी ख़राब कर दिए अंडे। ये पेड़ और मेरे ख्याल अंडे इसमें नीचे दबाए हैं यार, बच्चा तो इनका कोई भी नहीं निकला। बाकी ये कुछ पीस पड़े हुए हैं, इसके अंदर 2 मेल हैं और ये येलो वाली फीमेल है, जो इसकी फीमेल थी ब्लू वाले की वो चल नहीं थी रही, तो मैंने जाके एक्सचेंज करवा दिया और वो येलो वाली एक फीमेल लेके आया हूँ। तो अब देखते हैं, मैंने दोनों मेल डाल दिए हैं कि जिसके साथ पेड़ लगेगा वो उसी के साथ लगा देंगे, बाकी दूसरे मेल के लिए एक नई फीमेल ले आएंगे। एक और पेड़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी। बाकी एक पेड़ ये है मेरा किंग साइज़ का पेड़ है ये, और फीमेल इसकी रेड आइज की है, वो बॉक्स के अंदर उसने अंडे दिए हैं, वो येलो कलर की फ़ीमेल है। तो इनके भी 4 से 5 अंडे हैं, तो वो भी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये पिंजरा मैं फिर आगे पीछे करूँगा तो वो अंडे हिल जाने हैं, तो जैसे ही इनके बच्चे निकलेंगे वो फिर आपको हम दिखाएंगे। तो इसके अलावा कॉकटेल्स है मेरे पास, वो चेक करें आप उनकी प्रोग्रेस। ये हैं जी अपने कॉकटेल, अभी तो छोटे हैं, ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं आई है, तो जैसे ये भी ब्रीड के लिए रेडी होंगे तो इनके लिए भी बॉक्स वगैरह हम देंगे। तो अभी फ़िलहाल पता तो नहीं कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, तो लेकिन पेड़ ही लगता है वैसे, ये वाला मुझे लगती है, ये वाला मेल लगता है और ये वाली मुझे फ़ीमेल लगती है। ये पर्ल के अंदर फीमेल है और ये इनोपाइड के अंदर है ये, तो माशाल्लाह एक्टिव है बहुत, हैंड टेम है मेरे, ये मैं बाहर भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, काटते भी नहीं है कुछ भी नहीं। ये मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन के बच्चे से जब मैंने लिए थे, तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। ये दोनों ही हैंड टेम है, देखिए कैमरे के ऊपर आके बैठ के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।